Good morning, children, and welcome to English class. Today, I will give you the summary of lesson 5. This is from your supplementary reader, and the name of the lesson is Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. Children, this is the story of a brilliant scientist who had developed a drug जिसको पीने से इंसान इनविजिबल हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और इस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन। और इस साइंटिस्ट ने ये जो ड्रग डिस्कवर किया था, डेवलप किया था, इस ड्रग का यूज गलत काम करने में किया। और इस लेसन में वो कौन कौन से गलत काम करता है इनविजिबल हो करके, उसी के कुछ इवेंट्स बताए गए हैं। तो समरी चालू करते हैं चिल्ड्रन। शुरू में बताया जाता है कि लंदन में, ये स्टोरी लंदन की है, तो लंदन में दो लड़के रहते हैं। वो जाते रहते हैं कि अचानक से उन्हें फ्रेश इम्प्रिंट दिखाई देते हैं, पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो बहुत आश्चर्य हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इंसान नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ उनको इम्प्रेशंस दिखाई दे रहे थे पैरों के। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये इम्प्रेशंस जिसके हैं वो इंसान कहाँ है। वो उस जो पैरों के निशान होते हैं, फुटप्रिंट्स होते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और धीरे धीरे ये जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो फेड हो जाते हैं और अंत में एकदम से डिसअपेयर हो जाते हैं। तो होता क्या है, ये फुटप्रिंट्स इसी ग्रिफिन साइंटिस्ट के होते हैं। अब वो जो साइंटिस्ट है उसने किसी तरह से लड़कों से तो अपना पीछा छुड़ा लिया। एक्चुअली में वो क्यों भागा भागा फिर रहा था चिल्ड्रेन, वो एक लॉलेस पर्सन था, उसने अपराध किया था। वो जिसके घर में रहता था, जो लैंडलॉर्ड था, उस लैंडलॉर्ड ने जब उससे कहा कि हम तुम्हें अपने मकान में नहीं रखेंगे, तो उसने गुस्से में आकर के उसका जो घर है उस घर में आग लगा दी। और आग लगाने के बाद वो भागने लगा चिल्ड्रेन, और भागते भागते लंदन की गलियों में आ गया। और लंदन में उस समय बहुत ही सर्दी पड़ रही थी, ठंड का मौसम था, क्योंकि ये जो इसने ड्रग डेवलप किया था उसको पीने के बाद जो कपड़े हैं उसको उतारने में होते हैं, नहीं तो वो विजिबल होता था। इसीलिए उसने क्या किया, वहाँ से एस्केप होने के लिए उसने ये ड्रग थोड़ा सा पिया, अपने कपड़े उतारे और फेंक दिए, और वहाँ से भागता हुआ लंदन की गलियों में भाग रहा था। और उसी समय ये जो दो बच्चे थे उन्होंने इसके फुटप्रिंट्स के निशान देखे। अब वो एकदम नेकेड था, उसको ज़रूरत थी कपड़ों की क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो वो एक बड़े से, जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं तो मॉल में कई फ्लोर होते हैं, एक फ्लोर पर पूरा फूड मटेरियल्स मिलता है, कहीं पर अपने किचन के सामान मिलते हैं, कहीं पे कपड़ा मिलता है। तो इस तरह से बहुत ही बड़े मॉल टाइप शॉप में घुसता है, और जैसे ही वो घुसता है उस समय टाइम हो रहा था शॉप को बंद करने का। तो टाइम शॉप के बंद करने का हो रहा था, ये अंदर घुसता है और शॉप बंद हो जाती है। ये अंदर अकेले रह जाता है, और क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो सबसे पहले तो वो जा करके जहाँ पर न्यू वुलन क्लोथ थे उसमें से अपने साइज का कपड़ा निकालता है और उसे पहनता है। उसके बाद वो जा करके खाना वाना निकालता है और खा लेता है। अब वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है और उसे नींद आ जाती है। वो क्विल्ट रजाई भी रखी रहती है जो कि पाइल्स लगी रहती है, उसके ऊपर जा करके सो जाता है चिल्ड्रन। सुबह क्योंकि क्यों बहुत मुश्किल से उसको ये सारा चीज खाने के लिए मिला था, एंड ही वॉज सो कम्फर्टेबल दैट ही डिडंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। होता क्या है कि सुबह दुकान खुलती है, जो सेल्स बॉय होते हैं वो आते हैं, दुकान खोलते हैं, तब तक ये सोता ही रह जाता है।
और जैसे ही इसको आवाज सुनाई देती है ये उठता है और जब देखता है तो सामने सेल्स बॉय वगैरह रहते हैं, सेल्स बॉय उसे देख लेते हैं ग्रिफिन को और ग्रिफिन उन्हें देख लेता है, तो अपने आप को बचाने के लिए वहां से वो भागता है। लेकिन होता क्या है, अपने आप को उन लोगों से बचाने के लिए फिर से जैसे ही वो बाहर भागता है लोग इसका पीछा करते हैं, तो वो दोबारा से अपने कपड़ों को फाड़ करके फेंकना शुरू कर देता है ताकि वो इनविजिबल हो जाए। अब होता क्या है, उसकी कंडीशन फिर से वही शुरू वाली थी, वो फिर से बिना कपड़ों के और बहुत ही सीवियर ठंड पड़ रही थी लंदन में घूम रहा होता है। फिर अचानक से ये सोचता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसने जाकर के एक थिएट्रिकल कंपनी जहाँ पर नाटक के कपड़े और नकली मूंछ नकली नाक ये सब जहाँ पर मिलते हैं उस शॉप पर जाता है और वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को चेंज करता है, नकली नाक लगाता है, विस्कर्स लगाता है और अपने पूरे चेहरे पर बैंडेज बांधता है, एक हैट पहनता है और बाकी कपड़े पहन करके जब वहाँ से वो बाहर निकलता है तो उसे ध्यान आता है कि मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, तो वो पीछे से दुकान से बाहर निकलने से पहले वो पीछे से जो उस थिएट्रिकल जो शॉप थी वहाँ पर जो कैशियर था उसके पीछे से उसको मारता है और उसके पास जो भी पैसे होते हैं वो स्टील कर लेता है, चोरी कर लेता है और फिर वो पैसे लेकर के वो भागता है और सोचता है कि अब मुझे यहाँ से बहुत दूर भागना चाहिए और वो लंदन के एक गांव जिसका नाम दिया गया है आपकी बुक में आइपिंग में जाता है। वहाँ पर वो एक इन में रुकता है, इन मतलब होता है सराय, जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो होटल वगैरह बुक करते हैं तो उसी तरह से एक इन था। जब ये इन में जाता है तो वो जिसका इन था यानी इन के जो मालिक थे उनका नाम था मिस्टर एंड मिसेस हॉल्स। तो जब ये लोग क्योंकि ऐसे मौसम में कोई भी इन में नहीं आता था, वो लोग बहुत आश्चर्य हो गए कि अरे ये तो कोई सीजन भी नहीं है इनमें आने का। लेकिन एनी हाउ ये जो ग्रिफिन होता है जाता है और सबसे पहले तो अपना किराया देता है और मिसेज हॉल्स बहुत ही उससे बात करना चाहती है लेकिन वो नेग्लेक्ट करता है और मिसेज हॉल से कहता है कि मैं शांति चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और वो जाकर के अपने कमरे में दरवाजा बंद करके रहने लग जाता है। होता क्या है चिल्ड्रन, दिन बीतते जाते हैं तो जो उसने पहली बार अमाउंट दिया था वो खत्म हो गया, यानी एक महीने का किराया खत्म हो गया, दूसरा महीना चालू होने लग गया। नाउ ही इज वरीड बिकॉज जो भी ये मनी स्टील करके आया था वो सारी मनी खत्म हो गई थी, अभी से पैसों की जरूरत थी, किराया भी देना था और इसने बहाना बनाना शुरू किया। ये मिसेज हॉल से कहता है कि ऐसा है कि मेरा भी चेक आने वाला है, हम आपको किराया दे देंगे। अब एक दिन क्या होता है, ये अपने घर से निकल करके बाहर चला जाता है विलेज में, एक क्लर्जी मैन रहता है। क्लर्जी मैन यहाँ पर बताया गया है जैसे चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं उसको यहाँ पर इस लेसन में क्लर्जी मैन कहा गया है। तो ये क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ जहाँ रहते हैं यानी उनके घर में ये जो ग्रिफिन होता है ये जाता है चोरी के उद्देश्य से, इनविजिबल होके जाता है और उनके घर के अंदर घुस जाता है और उनके ड्रॉयर में से पैसे निकालने लग जाता है। तो पैसों की खनक की आवाज ये क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ को सुनाई देती है, तो वो अपने बेडरूम से नीचे आते हैं, आवाज को सुनते हैं तो वो नीचे आते हैं। लेकिन जब वो नीचे आते हैं चिल्ड्रन तो वो लोग सोचते हैं कि क्योंकि उनको रूम में से आवाज आ रही थी, वो लोग कस करके झटके से दरवाजा खोलते हैं लेकिन देखते हैं कि रूम के अंदर कोई भी नहीं था और उन्होंने देखा कि जो उनका दराज था जहाँ पर वो पैसे रखते थे
वो पैसे मिसिंग थे। वो परेशान हो जाते हैं और ये जो न्यूज़ है पूरे गांव में फैल जाती है कि ये जो क्लर्जी मैन है, जो प्रिस्ट है, उसके घर में चोरी हुई है। और उसी दिन सुबह यहाँ पर मिसेज हॉल बहुत आश्चर्य होती है, क्योंकि वो देखती है कि ग्रिफिन का कमरा जो कि हमेशा बंद रहता है, उस दिन उन्होंने देखा कि उसका कमरा खुला हुआ है। बहुत आश्चर्य हो जाती है और दोनों हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि चलो चल करके देखा जाए। तो दोनों लोग धीरे धीरे रूम के अंदर जाते हैं और इधर उधर देखते हैं, ग्रिफिन दिखाई नहीं देता। जो बेड रहता है वो बहुत ही ठंडा दिखाई दे रहा था, इससे पता पड़ रहा था कि जो इंसान इस बेड पर सो रहा है वो बहुत पहले ही उठ गया है। और फिर इधर उधर देखा उन्होंने तो उसकी हैट पड़ी हुई थी चिल्ड्रेन, और जो उसने बैंडेज अपने सिर पर लगाया था वो पड़े हुए थे। ये सब देख करके ये लोग बहुत ही परेशान हो गए कि आखिर ये सब क्या है। कि अचानक से हुआ क्या कि अचानक से ये जो मिसेस हॉल्स है उसे कुछ स्निफिंग की आवाज़ सुनाई दी, सांस लेने की। उसके कान के सामने ऐसा लगा कि कोई इंसान उसके कान के बहुत नज़दीक आया है और वो लंबी लंबी सांस ले रहा है। आवाज़ जैसे ही उसे सुनाई दी वो घबरा जाती कि आखिर इस घर में कोई है भी नहीं, अब मुझे सांसों की आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है। अचानक से वो देखती है कि वो जो हैट रखी होती है बेड पर, वो हैट अपने आप उड़ती है और उसके फेस पर बहुत कस के हिट करती है। बहुत परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। और फिर अचानक वो देखती है कि रूम में रखा हुआ जो चेयर है जिसमें पहले उसकी माँ बैठा करती थी मिसेस हॉल्स की, वो अचानक से उसमें मानो जान आ गई हो, वो चेयर उड़ने लग जाती है और कस के मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल्स के सामने आती रहती है। ये देख करके दोनों सीढ़ियों से नीचे भागने लग जाते हैं और ये चेयर कस करके दरवाजे पर लगता है और दरवाजा बंद हो जाता है। अब मिसेस हॉल चेयर से गिरते गिरते बच जाती हैं। अब वो परेशान हो जाती हैं कि आखिर लग रहा है कि मेरे घर में भूतों का निवास है, भूत मेरे घर में आते हैं, और हो ना हो ये भूतों को बुलाने वाला ये जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन यही है। अब बहुत परेशान हो जाते हैं। ये खबर भी पूरे गांव में फैल जाती है। लोग बताते हैं कि तुम्हारे घर में किसी जादूगरनी ने जादू कर दिया है। दुनिया भर की बातें लोग मिसेस हॉल्स को बताते हैं। लेकिन जब क्लर्जी मैन के घर में चोरी के बारे में लोगों को पता पड़ता है तो सब उस जो चोर है उसकी तलाश में लग जाते हैं। सब चिंता करने लग जाते हैं, आखिर इस गांव में आज तक कभी चोरी नहीं हुई, ये चोरी करने वाला है कौन। अब मिसेज हॉल्स के जो घर में जो चेयर अलाइव हो गई थी जिसके कारण वो बोल रही थी हमारे घर में भूत आ गया है, इसके बारे में लोगों ने बातें करना बंद कर दिया। अब वो ये बेचैन हो गए, ये जानना चाहते थे कि आखिर क्लर्जी मैन के घर में चोरी की तो किसने की। बाद में अचानक से लोगों को शक होता है कि जब से ये जो ग्रिफिन है इस सराय में रहने आया है और तब से ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। कि अचानक से मिसेज हॉल देखती हैं कि जिस रूम में ग्रिफिन था उस रूम के अंदर से ग्रिफिन आता है काउंटर पर मिसेज हॉल्स के पास और उसको पैसे देता है और कहता है कि ये लीजिए किराया। मिसेज हॉल्स बहुत कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज क्यों हो जाती है चिल्ड्रेन? क्योंकि उन्होंने खुद उस घर में, वो दोनों हस्बैंड और वाइफ जाते हैं, उस समय दरवाजा खुला रहता है, घर में कोई रहता ही नहीं है। वो परेशान हो जाती है कि हमने घर के अंदर जाते हुए तो किसी को देखा नहीं, जब जाते हुए हमने नहीं देखा तो ये इंसान घर के अंदर से आते हुए कहाँ से ये इंसान घर के अंदर घुस गया और आकर के मुझे पैसे दे रहा है। बहुत परेशान हो जाती है। अब उसे एकदम 100% कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये जो चोरी
जो हो रही है ये चोरी करने वाला ग्रिफिन ही है, और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो उसके रूम में दौड़ी दौड़ी जाती है और उससे तमाम क्वेश्चंस पूछती है कि तुम ये पैसे कहाँ से लाए हो। और उसी दौरान जब वो क्वेश्चन पुट अप करती है, ये जो मिसेस हॉल के जो हस्बैंड है ये पुलिस में फोन कर देते हैं, और वहां से जो एक कांस्टेबल रहता है जिसका नाम रहता है जेफर, वो आता है। और जब वो आता है चिल्ड्रेन, और गांव के सभी लोग मिसेज हॉल के इन के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो मिस्टर हॉल था उसने घर वालों को तो बताया नहीं था कि मैंने कांस्टेबल को बुलाया है, पुलिस को बुलाया है। लेकिन जब ये कांस्टेबल आता है तो लोगों को पता पड़ जाता है कि इनको बुलाने वाला मिस्टर हॉल्स ही है। अब जब ग्रिफिन को ये पता पड़ता है कि पुलिस आई है मुझे पकड़ने के लिए, वो एकदम से परेशान हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, गुस्सा जाता है चिल्ड्रन, और वो अपने आप को बचाने के लिए, अब जेफर को पकड़ना था ग्रिफिन को, ग्रिफिन सामने अपीयर हो रहा था, जैसे ही जेफर ने ग्रिफिन को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, ये जो ग्रिफिन था इसने अपने जो कपड़े थे उसने निकालने शुरू कर दिए। ऐसा क्यों कर रहा था वो? ऐसा इसलिए कर रहा था चिल्ड्रन, वो इनविजिबल होना चाहता था, वो ये जो जेफर है जो कांस्टेबल है उसके हाथ से बचना चाहता था, एस्केप करना चाहता था। उसने जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े फाड़ फाड़ करके निकाल निकाल करके फेंकना शुरू किया, और इस तरह से वो एस्केप कर जाता है, और यहाँ पर सभी लोग देखते ही रह जाते हैं। तो दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। होप द स्टोरी इज वेरी क्लियर टू यू। विल मीट विथ सम अदर स्टोरी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन keep revising the course and stay safe. Thank you.